क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों और ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए गोगांव ब्लॉक के समस्त अध्यापक शिक्षक साथियों द्वारा चलाए गए अभियान मिशन ऑक्सीजन के तहत कॉन्सेंट्रेटर मशीन और एक कूलर भेंट किया। कोविड सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोगांव में भारतीय परंपरा अनुसार पूजन कर एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन और एक कूलर अध्यापक शिक्षक साथियों के सहयोग से गोगांव ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दीपक वर्मा को भेंट किया। इस अवसर पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ गोगांव ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसोदिया, कन्हैया बिलगावे, आशिक शेख, तुकाराम मंडलोई, कलम माल से दीपक गुप्ता और कोविड सेंटर का स्टाफ मौजूद था। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज अध्यापक समूह द्वारा ब्लॉक गोगावा के एक कूलर और एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोविड केयर सेंटर गोगावा को भेंट किया गया है, जिसके लिए मैं समस्त अध्यापक संघ का बहुत आभारी हूँ। सर आपका? डॉक्टर दीपक वर्मा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गोगावा। सर, ये गोगावा में जो कोविड सेंटर खुला है वो लगातार कोविड के मरीजों बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमारे अध्यापक शिक्षक संघ के गोगावा के सारे शिक्षकों की ओर से हमने एक ऑक्सीजन मशीन यहाँ पर कोविड सेंटर गोगांव को भेंट की है और एक हमने कूलर भेंट किया है, ये हमारे गोगांव ब्लॉक के अध्यापक शिक्षकों की ओर से। सर क्या नाम लिखते हैं आप? सर मैं राजेंद्र सिंह सिसोदिया और ब्लॉक अध्यक्ष गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।